थैंक्स नीना की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से प्याज वाली भिंडी बनाना बताऊंगी, जो कि झटपट बन जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। इसके लिए हमने टोटल भिंडी मैंने 250 ग्राम ली है और 2 हरी मिर्च ली है और 2 प्याज ली है। पहले हम भिंडी बताते हैं आपको कैसे करनी है। ये मैंने इस भिंडी को धो के और सुखा लिया है। अगर आप भिंडी को धो के सुखाएंगे नहीं तो ये गीली रहेगी और इसमें लेस आ जाएगा, या फिर आप धो के इसे पोंछ लीजिए अच्छे से और अब इसे हम काटेंगे। भिंडी को हमेशा पहले ही धोया जाता है और ताकि इसमें लेस ना आए और बाद में नहीं धुलती है, और ऐसे ही आप इसे काट लीजिए। आगे पीछे से इसकी स्टेम जो होती है वो आप हटा दीजिए। ये आगे की कैप है ये हटाइए और पीछे का ये जरा सा है इसे भी हटा दीजिए। इसी प्रकार हम सारी भिंडी को काटेंगे। आगे से काट लीजिए जरा सा और इसे फेंक दीजिए और इसको ऐसे काट लीजिए। बहुत बारीक नहीं करनी है, इसे जरा सी मोटी करनी है, ना ज़्यादा हमें बारीक करनी है ना हमें इसे मोटा रखना है, बस हम इसे मीडियम में ही काटेंगे। भिंडी को हमने अच्छे से काट लिया है ये देखिए, और मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, मीडियम साइज रखना है हमें इसका, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं। बहुत बड़ी काटेंगे तो ये बन के बिल्कुल हलवा सी हो जाएंगी। हमें इसी तरीके से काटनी है भिंडी। और हमने ये दोनों प्याज बताई थी ये भी हमने रफली चॉप कर लिया है, लंबाई में जरा मोटा मोटा ही काटा है, इससे सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। और ये हरी मिर्चें भी हमने काट ली हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है और हम इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे। अब ये हमने 1 टेबल स्पून ली है, ये हम डाल दें इसमें तेल, 1 डाला और ये 2, और थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्याज भुन जाए। और भिंडी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही हो तभी इसका टेस्ट अच्छा होता है। तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है, इसमें पहले हम हींग डालेंगे, इसी के साथ हम ये हरी मिर्चें डालेंगे, इसमें ये जो हमने काट के रखी है वो डालेंगे और हम प्याज भी डाल देंगे। हरी मिर्च और प्याज दोनों हमने एक साथ ही इसमें डाल दिया। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे भूनना है। देखिए हल्की सी हमने इसे 2 से 3 मिनट भून ली है, हल्की हल्की सी भूनी है, ज़्यादा नहीं भूनी, हमें लाल नहीं करनी है। इसी के साथ हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें हल्दी डाल दें, और इसी के साथ अब हम ये भिंडी भी जो हमने काट के रखी है वो भी हम इसमें डाल देंगे सब, और अब हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए इसमें अभी हम कोई मसाले नहीं डालेंगे, केवल हम इसमें नमक डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच करीब नमक डाला, इससे ज़्यादा ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें हल्का कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। भिंडी में कई लोग गलती से पानी डाल देते हैं, पर भिंडी हमेशा बिना पानी की बनती है। और इसको गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, यानी कि सिम पे कर दीजिए, और आप ऐसे 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। चलिए एक बार हम इसे चेक करते हैं। अभी इसमें काफी कसर है, हल्की सी हमारी सॉफ्ट हुई है, बहुत हल्की सी सॉफ्ट हुई है। अभी इसमें 2 मिनट और हम इसे रखेंगे। चलिए अब हम फिर से देखते हैं कि हमारी कितनी भिंडी गली है। ये देखिए हमारी भिंडी भी अच्छे से गल रही है, देखिए दबाएंगे तो ये पूरी अच्छे से मैशी हो गई है, तो इसका मतलब हमारी भिंडी गल गई है। और ये थोड़ा बहुत इसमें देखिए सारा आप सोचेंगे इसमें लेस है, पर ये लेस हमारा खटाई गलते ही ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने केवल इसमें नमक और हल्दी डाला था और कोई मसाला नहीं डाला है। चलिए अब हम इसमें मसाले डालें। मिर्च डाल दें हम इसमें, आधी चम्मच मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें डाल दें धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है,
और अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन जो कि जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, जो है कुटुरी सौंफ। एक चम्मच हम इसमें कुटुरी सौंफ डाल दें। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे खटाई, जो हर सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर खटाई नहीं होगी तो भिंडी में भी टेस्ट नहीं आएगा और इसका लेस भी नहीं जाएगा। हमने एक चम्मच के करीब खटाई डाल दी है, खटाई थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए। और अब हम इसे भूनेंगे। जरा सा इसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हम इसे सारे मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे एक मिनट तक, यानी कि एक इसको ढक के रख देंगे। इसमें सारे मसाले जो हमने डाले इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, और गैस हम सिम पे ही रखेंगे। एक मिनट हो गया, अब हम इसे खोल के देखेंगे। देखिए ये हमारे अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो गए, और आप देखेंगे आप इसमें एक भी लेस नहीं है, कोई तार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें खटाई डाली है, और हमने ढकने का मतलब यही है कि इसके अंदर मिक्स हो गया सारा मसाला। चलिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। और ये हमारी अच्छे से भुन भी गई है, आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल भी देखो चिपक नहीं रही है। अच्छे से इसने तेल निकाल दिया, छोड़ दिया है। सब्जी जब तेल छोड़ देती है तो समझिए कि हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है। चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से प्याज वाली भिंडी बनकर तैयार है। ये 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे काटने में और इसको बनाने में, और बहुत ही अच्छे से बन जाती है जल्दी। कभी भी आपका मन करे फटाफट भिंडी बनाने का, तो आप जब तक प्याज फ्राई करेंगे यानी कि भूनेंगे, तब तक आपकी भिंडी भी कट के तैयार हो जाएगी। बस आप क्या करें, भिंडी को पहले धो लें और अच्छे से सुखा लें। अगर गीली भिंडी काटेंगे तो उसमें लेस हो जाएगा, वो स्वाद नहीं बनेगी। ये भिंडी की सब्जी हर किसी को पसंद होती है, खास करके छोटे बच्चों को। उनको टिफ़िन में भी आप पराठे के साथ दे सकते हैं, और आप इसे दाल चावल के साथ या किसी साथ पराठे पूरी के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।